इसलिए वोट करना उनके मैं अपील कर रहा हूँ। सर, मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनकी अलायंस पार्टी के नेता एनजी रेवन्ना और बजरंग रेवन्ना जो केस में पड़ के, आपके उसके क्या राय है? देखिए, उसके लिए बोलना तो बहुत है, लेकिन अब नमस्ते। आज बीदर लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव के सिलसिले में हम मेरा फैमिली के साथ आज हम बूथ नंबर 132 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मतदान किए। और ये चुनाव ये इलेक्शन ये है कि ये डेमोक्रेसी बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना, इसके लिए सभी लोग वोट कर रहे हैं। और ये भारत देश के लिए भाईचारा बचाने के लिए ये मतदान हो रहा है। आज का मतदान जोर शोर से अपने लोग धीमी गति से हुआ तो भी अब तक 8-9% हो रहा है, लेकिन अभी बढ़ते जा रहा है। ये सभी लोग घर पे ना बैठे हुए आके सभी लोग मतदान करना बोल के, और देश को बचाने का है तो ये संविधान को बचाना है, प्रजाप्रभुत्व डेमोक्रेसी को बचाना है तो सभी लोग अपना कीमती वोट डालना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इसलिए वोट करना बोल के मैं अपील कर रहा हूँ। सर, मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उनकी अलायंस पार्टी के नेता एनजी रेवन्ना और बजरंग रेवन्ना जो केस में पड़ के, आपके उसके क्या राय है? देखिए, उसके लिए बोलना तो बहुत है, लेकिन अब SIT बैठा है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो गिनौर ने हलकत हुआ है ये बहुत गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। जो भी एक्शन होगा कानून के तहत होगा, लेकिन ये जो पेनड्राइव रिलीज हुआ है वो भी एक माने से गलत है, तो भी मैं मानता हूँ एक सही है। क्यों बोलते हो? आने जो आगे होने वाला इंसिडेंट को ये बचाने के लिए ये पेनड्राइव आया है, अच्छी तरह से तहकीकात होकर जो इसमें कल्पित है उसको सजा होना बल्कि मेरा।